डेढ़ बजे पीडीएफ चेक करी, फिर उसमें अपना 3-4 बार नाम चेक करा, तब पता चला कि इतना अच्छा रैंक आया है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। जब पहली बार आपने सुना होगा तो सबसे पहले आदमी दिखता है कि हम क्वालिफाई हैं कि नहीं, पहले तो ये देखता है, फिर चेक करना होता है कि पोजीशन क्या है। जब पता चला सेकंड है तो रिएक्शन क्या था? हाउ वाज योर रिएक्शन? आई कुड नॉट बिलीव इट। मैंने 3-4 बार सेम पीडीएफ को डाउनलोड किया, मैंने अपने दोस्तों से बोला कि आप भी वेरीफाई करो। उसके एक्चुअली पीडीएफ देखने के पहले लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया था, तो वो 2 मिनट का लैग था कि मैंने अपना फोन साइड रखा था और उतने में रिजल्ट आ गया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। आई थिंक इनफाइनाइट सपोर्ट था, दे वर जस्ट गिविंग, एंड इवन दो आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स ट्वाइस, द काइंड ऑफ बिलीफ दे हैड इन मी एंड द वे दे पुश्ड मी एंड द वे दे मेड एवरीथिंग ईजी फॉर मी, आई विल बी ऑब्लाइज टू देम। सिंस मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब टेकिंग अ फर्स्ट हैंड डिसीजन अबाउट विच काइंड ऑफ जॉब आई वॉन्ट टू डू फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 decades। सर माई नेम इज उमा हाथी, आई एम अ नेटिव ऑफ नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना स्टेट। आई ग्रेजुएटेड विद अ बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग इन 2017 फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद। एवर सिंस आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फुल टाइम फॉर यूपीएससी इट्स सिविल सर्विस एग्जाम। आई ब्रीफली वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months at a civil services coaching institute called Civil State Institute.